नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो कि लखनऊ से इस वक्त की खबर आ रही है। आपको बता दें कि केजीएमयू में किट खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किट खरीद में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तो वही अफसरों ने कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया है। अपनी गर्दन बचाने के लिए टेंडर किया रद्द। महंगे दामों पर खरीदी जा रही थी किट। कई राज्यों की तुलना में महंगी किट खरीद से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद सीएम से शिकायत पर इस पूरे मामले में जांच शुरू की गई थी और गड़बड़ी मिलने पर गुपचुप तरीके से टेंडर को ही रद्द कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दे चले कि जो लोग आइसोलेशन में है उनके लिए एक किट सरकार की तरफ से दी जा रही थी, जिसमें जरूरी दवाइयां थी और इसके साथ ही एक अहम किट यहां पर थी। और साथ साथ आपको बता दें केजीएमयू की ये किट का खबर जो है सामने आई है, जहां पर अफसरों ने गड़बड़ी पाए जाने पर कंपनी का टेंडर ही गुपचुप तरीके से रद्द कर दिया है। तो वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अफसरों ने अपनी जान बचाने के लिए और कई बड़े मुद्दों से पर्दाफाश ना हो इसके लिए गुपचुप तरीके से ही टेंडर को रद्द कर दिया गया है। महंगे दामों पर खरीदी जा रही थी एक किट, जिसको लेकर जांच शुरू की गई। कई राज्यों की तुलना में लखनऊ में सबसे महंगी किट जो है खरीदी जा रही थी और सीएम से शिकायत करने पर इस पूरे मामले में जांच शुरू की गई और इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर गुपचुप तरीके से अधिकारियों ने टेंडर को रद्द कर दिया है। लखनऊ के केजीएमयू में इस वक्त किट की खरीद से जुड़ा ये बड़ा मामला इस वक्त का सामने आया है, जो आपको बता दें कि अफसरों ने कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया है। किट की खरीद को लेकर जो तय शुल्क था उससे ज्यादा पर खरीदी गई है और आपको बता दें बाकी राज्यों की तुलना में महंगी किट खरीदी गई है, जिस पर शिकायत किए जाने पर जांच शुरू की गई और जांच में धांधली का मामला सामने आया है।